नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 15 अगस्त के दिन गुजरात में बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे 10 कैदियों को विशेष माफी के साथ रिहा कर दिया गया। ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपील करते हैं कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम इससे मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? शब्दों से मुक्ति का संकल्प लोगों के बीच पहुंचा भी नहीं होगा कि बलात्कार और हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की मुक्ति की खबर आ जाती है। इनके लिए 15 अगस्त का दिन अमृत काल बनकर आएगा, यह तो अमृत की कल्पना करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। क्या इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, या इनकी रिहाई में कोई गैर कानूनी काम हुआ है, या इनकी तस्वीरों को देखकर लोग हिल गए हैं? ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। बलात्कार और हत्या के आरोप में सजा काटने के बाद रिहा किए जा रहे इन 10 लोगों के लिए 15 अगस्त का दिन अमृत काल की तरह लग रहा है। बाहर आकर कितनी शान से खड़े हैं, इनके चरण स्पर्श किए जा रहे हैं ताकि हत्या और बलात्कार के इन दोषियों से आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद इनका स्वागत मिठाइयों के साथ भी किया गया। इतना काफी नहीं था, इसलिए महिलाओं ने टीका लगाकर भी स्वागत किया और बलात्कार के दोषियों ने टीके भी लगवाए। परंपरा अपनी जगह होती है और अपराध और उससे जुड़ी मानसिकता की दुकान अपनी जगह। जेल से बाहर आकर आशीर्वाद देने वाले इन दोषियों के नाम हैं विपिन चंद्र जोशी, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बाका भाई बुहानिया, केशर भाई बुहानिया, जसवंत नाई, गोविंद नाई, प्रदीप मोरधिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना। बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे इन कैदियों को 15 अगस्त के दिन विशेष रिहाई मिले, इससे 15 अगस्त का महत्व काफी बढ़ जाता है। बिल्किस के पति याकूब रसूल ने मीडिया में कहा है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं, वे शांति की प्रार्थना करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार का बयान छपा है कि 11 कैदियों ने 14 साल की सजा काट ली है। कानून के हिसाब से आजीवन कारावास का 14 साल पूरा करने के बाद कैदी माफी के लिए अपील कर सकता है। उसके बाद सरकार उनकी अर्जी पर विचार कर सकती है। कैदी सलाहकार समिति और जिला स्तर के विधि प्रशासन के सुझावों पर योग्यता के आधार पर कैदियों को माफी दी जाती है। यह गुजरात सरकार का पक्ष है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर जब कैदियों की विशेष माफी का फैसला किया गया, तब इस बात का ध्यान रखा गया कि ऐसे मामलों के कैदी रिहा ना हो पाए। आप पीआईबी यानी पत्र सूचना कार्यालय की 18 जुलाई 2018 की प्रेस रिलीज देख सकते हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया कि किन किन मामलों में जेल में बंद कैदियों को माफी दी जाएगी और किन्हें नहीं दी जाएगी। इस आम माफी से नेताओं को भी बाहर रखा गया। कहा गया कि गृह मंत्रालय राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी करेगा कि कौन कौन लोग माफी के लायक नहीं। साफ साफ लिखा गया है कि ये कैदी 2 अक्टूबर 2018 और 2 अक्टूबर 2019 के दिन रिहा किए जाएंगे और इनमें से कुछ चंपारण सत्याग्रह के मौके पर 10 अप्रैल 2019 को रिहा किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने साफ साफ बताया है कि हत्या के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी। बलात्कार के मामले में सजा काट रहे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी। हम जल्दी में यह नहीं भूल सकते कि आम माफी लीगल जस्टिस का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। सरकारें सजा कम करती रहती हैं, समय से पहले माफी देती रहती हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में कहा कि जिन्होंने 8 साल की सजा काट ली है या आधी सजा काट ली है, उनकी माफी की अर्जी पर तेजी से विचार होना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट से डेटा भी मांगा गया कि कितने ऐसे मामले लंबित हैं। इसके बाद भी मोदी सरकार की कैबिनेट जब 2018 में आम माफी का फैसला करती है, तब इस बात का ध्यान रखती है कि संगीन अपराध के मामलों में सजा पाए कैदियों को आम माफी ना मिल जाए। केवल 2018 में नहीं, 2022 में भी, यानी वह नीतिगत रूप से सहमत नहीं है
कि हत्या और बलात्कार के मामले के कैदियों को विशेष माफी दी जाए। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भी कैदियों को विशेष माफी देने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें भी संगीन मामलों में सजा काट रहे कैदियों को माफी दिए जाने की बात नहीं है। यह आदेश भी 2018 के आदेश की तरह राज्यों को भेजा गया है। तब भी गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के केस में सजा काट रहे कैदियों को विशेष माफी दी है। यह उस आदेश की तस्वीर है जो 10 जून 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के प्रधान सचिवों और जेल के प्रमुखों को जारी किया गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि किन किन मामलों में सजा काट रहे कैदियों को विशेष माफी नहीं देनी है। इसमें लिखा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अप्रैल 2022 में गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को इस बारे में कदम उठाने के लिए पत्र लिखा है। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है कि जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है उन कैदियों को विशेष माफी ना दी जाए। इस आदेश पत्र में कई तरह के मामलों का जिक्र है, ड्रग्स टाडा वगैरह लंबी सूची है, इसमें बलात्कार भी शामिल है। अब हमें याद रखना होगा कि बिल्किस बानो के केस में जिन कैदियों को विशेष माफी दी गई है उन्होंने 1992 की नीति के तहत माफी मांगी थी। कानून जिस वक्त गिरफ्तारी होती है उसी के हिसाब से चलता है, तब क्यों केंद्र सरकार आम माफी की शर्तें तय करती है? ये आप सवाल पूछ सकते हैं कि किसे माफी मिलेगी किसे नहीं, और इसे राज्यों को क्यों भेजती है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हत्या और बलात्कार के मामले में जिसे आज सजा मिली होगी उसे तो निश्चित ही कभी माफी नहीं मिलेगी। क्या केंद्र के इस निर्देश का लाभ उन कैदियों को भी मिलेगा जिनकी गिरफ्तारी के वक्त कुछ और नियम थे? इस मामले में कई कानूनी और तकनीकी पहलू होंगे, इसलिए हम झट से कहने के बजाय सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार का निर्देश बिल्किस बानो के केस में लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनाकर विचार करने के लिए कहा था। उस कमेटी को फैसला सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से करना था या सरकार की नीति के हिसाब से? कोर्ट ने भी तो यही कहा कि जो राज्य सरकार की नीति होगी उसके हिसाब से कमेटी विचार कर ले। अच्छा होता अगर सरकार मीडिया के सामने आकर सारे प्रश्नों का उत्तर देती। बस रिकॉर्ड के लिए हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर गुजरात सरकार का एक नीति पत्र मिला है, या 2014 का आदेश पत्र है। इसके एनेक्सचर एक में साफ लिखा है कि बलात्कार और गैंग रेप के बाद हत्या के केस में विशेष माफी की नीति लागू नहीं होती है। यह भी लिखा है कि जिस केस में सीबीआई ने जांच की है उस केस में विशेष माफी नहीं दी जा सकती है। बिल्किस बानो के केस की जांच सीबीआई ने की है, बल्कि गुजरात के इस नीति पत्र में या आदेश पत्र में तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों को भी आम माफी नहीं है। तब फिर बलात्कार और हत्या के आरोपियों को कैसे विशेष माफी दी गई? रेबेका जॉन मशहूर वकील कहती हैं कि फैसला इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, मगर इम्प्रॉपर है, उचित नहीं है। जहां तक ये सही है या गलत है इसमें सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब भी हम खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं ऐसे क्राइम्स में जहां पे रेप और मर्डर हुआ है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा, अगर मौत की सजा भी मिली है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर मौत की सजा को हटा देती है और लाइफ इंप्रिजनमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहती है कि 30 साल तक या 35 साल तक बिना रिमिशन या बिना कॉम्यूटेशन या बिना परोल के कॉन्विक्ट को जेल में रहना पड़ेगा। तो जब आप वो देखते हैं और जब ये देखते हैं तो इसमें बहुत फर्क है। तो मेरा जो इतराज है इस ऑर्डर का सिर्फ ये है, ये नहीं कि ये गैर कानूनी है, पर जब आप कानून को अप्लाई करते हैं तो आप एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हर एक के साथ सेम कानून अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को 14 साल मिल रहा है, किसी को 15 साल मिल रहा है और किसी को 30 साल मिल रहा है बिना रिमिशन के। तो इसलिए बेहतर ये होता कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है उस लॉ को देखा जाए और ऐसे जो गंभीर केसेस में इतनी जल्दी अगर रिहाई ना होती तो वो बेटर रहता, खास तौर पे जहां इतने लोग मरे हैं और जहां गैंग रेप हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत ही गंभीर तरीके से देखती है और मेरे नजर में ऐसा कोई केस पिछले कुछ सालों में नहीं आया है जहां पे 15 साल की सजा के बाद रिहाई हुई है। तो उस जब हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो मेरा ये कहना है दैट देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन द अप्रोच, हर एक के साथ सामान्य तरीके से कानून अप्लाई होना चाहिए। गुजरात के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार के बयान के बारे में हमने आपको पहले भी बताया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। जाहिर है उन्होंने अपना बयान दिया होगा, एक्सप्रेस में छपे उनके बयान को लाइव लॉ ने भी कोट किया है। वे कहते हैं कि जिन मानकों पर विचार किया जाता है उनमें उम्र, अपराध की प्रकृति, कैदी का बर्ताव वगैरह शामिल है। इस विशेष केस में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योग्य पाया गया है क्योंकि वे आजीवन कारावास का 14 साल काट चुके हैं। हम फिर से बता दें कि ये वही कैदी हैं जिनकी रिहाई की यहां चर्चा हो रही है। गिनती में ये 10 हैं। इन पर 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इनमें से ज्यादातर ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है। 15 अगस्त के दिन न सिर्फ इन्हें आम माफी मिली है बल्कि मिठाई खिलाकर टीका लगाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। क्या इस वजह से लोग ज्यादा आहत हो गए हैं? जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी तब बाकायदा मोदी कैबिनेट फैसला करती है कि हत्या और बलात्कार के कैदियों को आम माफी नहीं दी जाएगी। गुजरात सरकार को भी यही निर्देश भेजती है। फिर क्या इस बारे में कुछ अलग फैसला हुआ है? कैदी राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि सुप्रीम कोर्ट गुजरात राज्य को निर्देश दे कि 9 जुलाई 1992 की नीति के तहत समय से पहले उसकी रिहाई पर विचार करे। जिस समय इन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी उस समय यही नीति लागू थी। अन्य कैदियों ने भी हाईकोर्ट में समय से पहले रिहाई की याचिका दी थी। लाइव लॉ ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने गोधरा जिले में कमेटी बनाई। इसी कमेटी ने सर्वसम्मति से इनकी रिहाई का निर्णय दिया और राज्य सरकार ने मंजूर किया। मेरे साथ शोभा हैं जो कि बिल्किस की वकील हैं। अभी जिस तरह से रिमिशन हुआ है, दोषियों को समय के पहले छोड़ा गया है वहां पर गुजरात में, उस पर बात करने के लिए। शोभा, क्या आपको किसी प्रकार का, आपको या आपके क्लाइंट को कोई नोटिस किसी तरह का आया कि इनको छोड़ा जा रहा है? कोई नोटिस नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कहीं पर कोर्ट ने कॉल अपॉन नहीं किया है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कॉल अपॉन नहीं किया है। केवल एक याकूब के कल के फोन से पता चला है कि ऐसा कुछ हो गया है, विच वॉज टू बिगिन विद हम सबके लिए शॉक था क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, सजा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू डिसमिस हो गई है, कन्फर्म्ड कन्विक्शन है, तो नो इन्फॉर्मेशन, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कल का एक व्हाट कैन यू से कि अचानक से कुछ एक सामने आई चीज, फिर हमने डिगअप करना शुरू किया कि अच्छा क्या है, तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसके बेसिस पे उन्होंने रमिशन के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट कंसर्न को। तो आपकी बिल्किस से, उनके परिवार से बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं? क्या डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्या हुआ है? बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। उनका पहला कंसर्न ये, इनफैक्ट होता ये था कि पैरोल पे भी जब कभी ये लोग आते थे तो कुछ ना कुछ इनके पास थ्रेट परसेप्शंस रहते थे, उसकी कंप्लेंट्स भी इन्होंने पहले करी हुई जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, और अब वो बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। बच्चे हैं, ग्रोन अप बच्चे हैं, बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, कोई 12th में है इस वक्त, उनको सीरियस सेफ्टी कंसर्न है। जो पहले थे सारे, जो पहले थे जितने भी, वो गुजरात में ही रह रहे हैं, वहीं बाड़िया में रह रहे हैं, मेजर कंसर्न है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूर कुछ करने वाले हैं एक्यूज निकल के बाहर, पर फेयर का कंसर्न तो उनका अपना होता है। एक बहुत बहुत डास्टर्डी क्राइम से बाहर निकली, क्राइम से बाहर आई है, उसने बहुत कुछ देखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा, जो बेसिस बना रिलीज का, 1992 के रूल्स की बात की है उन्होंने, वो क्या स्पेसिफिक क्या है, कुछ आइडिया है उसके बारे में? पॉलिसी है, हम लोग ऑनेस्टली हमें अभी तक भी कुंट हैव लेड आर हैंड्स, हम अभी तक मिल नहीं पाई है पॉलिसी, हमको कोशिश कर रहे हैं उस पॉलिसी को लेने की। बट रेमिशन पॉलिसीज ऑल ओवर इंडिया में थी, ब्रॉडली सब जगह रेमिशन रूल सेम थे, बाद में थोड़े वो स्ट्रिंजेंट हुए, टफ हुए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत बार आए हैं और ऑलमोस्ट अब एक सेटल पोजिशन ऑफ लॉ है कि अब सीरियस क्राइम, क्राइम लाइक जिसमें 376 2G है, गैंग रेप है,
12 लोग, उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को रेप किया है, गैंग रेप है, उसके बाद एक अदर बच्ची का है, मतलब उसमें एक से ज्यादा लोगों के संग गैंग रेप है, मर्डर है उसका, द होल मतलब द पूरा क्राइम अपने आप में बहुत भयानक था वो, जिसको पढ़ के सुन के कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला है जब पहले कॉम्पनसेशन दिया था, हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, तो उसका अपना इम्पैक्ट बहुत सीरियस था क्राइम का। ऐसे क्राइम में रेमिशन, अगर आप मेरे से पूछो, मेरे पास भी 27 साल की वकालत है, मैं बोलूंगी इम्पॉसिबल है मिलना। वैसे एक आदमी गया था सुप्रीम कोर्ट, एक जो सजा याफ्ता है, लेकिन रेमिशन सबको मिल गई, वो कैसे हुआ? वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बंदा आया था, रिट पिटीशन फाइल करी थी आर्टिकल 32 में, वो हमें समझ नहीं आता बिकॉज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने उसका पिटीशन डिसमिस कर दिया था। तो प्रिंसिपली SLP आनी चाहिए थी, पर यहाँ रिट आई थी, एक की आई थी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 92 में अप्लाई करिए, बिकॉज उन्होंने बोला मेरा केस 92 में आता है और 92 पॉलिसी में, और अथॉरिटीज को डायरेक्शन थे कि विद इन 2 मंथ्स आप इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करें। तो ये ऑर्डर क्वा 1 पर्सन था, एक पर्सन कोर्ट आया था। ऐसा लगता है कि उस ऑर्डर के बाद बाकी सारे लोगों ने, 11 है, एक की डेथ हो गई थी, अदरवाइज 12 मेन अक्यूज थे ये, तो सबने एप्लीकेशन लगाई है अंडर 92 पॉलिसी फॉर रेमिशन, अर्ली रिलीज, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने वो ग्रांट करी है। अब आगे का क्या कदम हुआ, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? आप मेरे से एज अ वकील के तौर पर पूछे तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज क्राइम बहुत सीरियस था, और कितने कोर्ट्स के जजमेंट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू डिसमिस, कॉम्पनसेशन, 5 जजमेंट्स ने बोला है कि ये गास्टली क्राइम था ये। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की ये रिपोर्ट थी। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में कई समुदायों के और कई पेशे से जुड़े लोगों ने मदद की, मगर आज बहुत से लोग इस भय से कैमरे पर सामने नहीं आना चाहते हैं। तीस्ता शीतलवाड़ की गिरफ्तारी के कारण उनके भीतर भय फैल गया होगा। कुछ लोग अपने जरूरी कारणों से मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, कभी आते भी नहीं थे, दोनों बातें। लेकिन भय का अगर मामला है, तब आप इस खबर को या इस खबर पर प्राइम टाइम के इस एपिसोड का लिंक अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके देखिए, आजमा लीजिए। हाउसिंग सोसाइटी में महिलाओं का भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप उसी में शेयर करके देखिएगा, आपके भीतर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जाग जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट? मैं वही कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किले से कहा है। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है, यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। प्रधानमंत्री किस सामर्थ्य को आपके भीतर देख रहे हैं? अगर आपके भीतर कोई वैसा सामर्थ्य है तो आप एक काम कीजिए, जैसा कि मैंने कहा, प्राइम टाइम के इस एपिसोड को हाउसिंग सोसाइटी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके देखिए। नारी के सम्मान के बारे में आपकी समझ काफी व्यापक हो जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव किसका मन रहा है, हत्या और बलात्कार के कैदियों का या बिल्किस का? बिल्किस ने इन्हें सजा दिलाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, वैसी लड़ाई का सामना कम लोग कर पाते हैं। आपने देखा ही कि इस मामले पर कई लोग बयान देने को राजी नहीं, तो इस हिसाब से बिल्किस का संघर्ष डर की कितनी खाइयों को पार करके रहा होगा। बच्चों के साथ एक दिन निकलता है स्कूल। उस साल 19 साल की बिल्किस 5 महीने की गर्भवती रही होगी जब उसके साथ बलात्कार किया गया। बिल्किस की 3 साल की बच्ची थी जिसे जमीन पर दे मारा और हत्या कर दी गई। उस दिन दंगाइयों ने बिल्किस के रिश्तेदारों सहित 14 लोगों की हत्या की थी। बिल्किस की मां की भी हत्या कर दी गई। सत्र न्यायालय में केस खारिज हो गया, लेकिन बिल्किस का हौसला नहीं टूटा। उसने तय कर लिया कि लड़ाई लंबी हो मगर लड़ेगी। इस लड़ाई में गगन सेठी, फरा नकवी से लेकर तमाम लोगों ने उसका साथ दिया।
सीबीआई ने जो जांच की उससे आरोपियों का बचना मुश्किल हो गया और सीबीआई की तारीफ भी हुई। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुना दी। बिल्किस के साथ बलात्कार और उसके सात रिश्तेदारों की हत्या के मामले में इन्हें सजा सुनाई गई। 4 मई 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी मामले में 5 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई। इनमें 2 डॉक्टर और 1 आईपीएस अफसर आरएस भगोरा भी थे। इन पर आरोप था कि दोषियों को बचाने के लिए सबूत बदल दिए गए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए जहां से इन्हें कोई राहत नहीं मिली। आईपीएस आरएस भगोरा का 2 रैंक घटा दिया गया, उनकी पदावनति की गई। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की तारीफ की थी। 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने गुजरात सरकार से कहा कि बिल्किस बानो को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएं, उसे नौकरी दी जाए और घर बनाकर दिया जाए। हत्या की धमकी के चलते बिल्किस बानो को 17 साल में अपना ठिकाना 20 बार बदलना पड़ा था। पवन जी, इस फैसले का बचाव करने वाले तर्क ये दे रहे हैं कि ऐसे कानूनी प्रावधान है कि 14 साल बाद अगर कंडक्ट अच्छा हो तो अभियुक्तों को छोड़ा जा सकता है, इस पे आप क्या? आजादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री के मुंह से निकले गए उन नारी सम्मान नारी शक्ति के शब्दों के बाद कुछ घंटों बाद यही अभियुक्त मिले थे इन्हें रिहा करने के लिए, जो कि बलात्कार जैसे गंभीर संगीन आरोप में अभियुक्त बने हों। तो यह तो सोच समझ कर किया गया है, ऐसी सोच पर लानत है जो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई दिखती। और यह पहली बार नहीं हुआ, मैंने आपको कठुआ और उन्नाव का भी उदाहरण दिया जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के लोग सड़क पर रैली निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में। तो इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता, कोई जवाब नहीं रह जाता, इसके बाद तो सिर्फ एक तथ्य रह जाता है। तथ्य वो यह है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं है। और इस पूरे मामले में बिल्किस बानो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमने बातचीत नहीं की है, बल्कि अहमदाबाद से चलने वाले मीडिया समूह वाइफ्स ऑफ इंडिया की दीपल त्रिवेदी ने बिल्किस बानो से बात की है। बिल्किस ने दीपल त्रिवेदी से कहा कि वह इस खबर से मायूस हो गई है, इतनी मायूस कि खबर सुनने के बाद शाम को खाना नहीं बनाया और खाया भी नहीं। बिल्किस ने कहा कि 2022 आ गया है मगर 20 साल बाद भी उसके भीतर 2002 की सिहरन लौट आई है। उसने भय से अपना ठिकाना भी बदल लिया है। जब इन्हें सजा मिली थी तब उसे लगा था कि इंसाफ मिला है, मगर रिहाई की खबर सुनकर बिल्किस को लगता है कि इंसाफ नहीं खिलवाड़ हुआ है। अब हम आते हैं राजस्थान की घटना पर। जालौर जिले के सुराणा गांव में एक घटना हुई है। 9 साल के इंद्र कुमार मेघवाल को उसके मास्टर छैल सिंह ने इतना मारा कि उसकी आंखें सूज गईं, कान की नसें फट गईं। इस घटना से जुड़ी तमाम खबरें छप चुकी हैं। इंद्र मेघवाल की हत्या के आरोपी मास्टर छैल सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस स्कूल में इंद्र मेघवाल को मारा गया उसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर है। हम चाहते हैं कि इंद्र मेघवाल की इस धुंधली तस्वीर को लंबे समय के लिए स्क्रीन पर रहने दें, ताकि आपसे एक सवाल कर सकूं। क्या आप इस तस्वीर को देखकर कागज के किसी टुकड़े पर लिख सकते हैं कि भारत विश्व गुरु है, छैल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर के संचालक हैं? इन पर आरोप है कि इस स्कूल में एक मटकी अलग से रखी गई थी मास्टरों के लिए। इंद्र मेघवाल को प्यास लगी और उसने मटकी से पानी पी लिया। क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि छैल सिंह को गुस्सा आ गया और वह इंद्र मेघवाल को इतना मारने लग जाते हैं कि वह मर जाता है? पानी पीना गुस्से का कारण नहीं हो सकता। गुस्से का कारण इंद्र मेघवाल की जाति रही होगी, उसकी जाति के कारण ही मास्टर को इतना गुस्सा आया होगा, वरना मटकी से पानी पी लेना किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं हो सकती। क्या हम नहीं जानते कि इस देश में पानी पीने की 2 मानसिकताएं हैं, 2 बर्तन हैं, 2 कायदे हैं? छोकरे मटकी में थी पानी पी दो, जातिवाद ग्रीन थाप भाई भनती माता रे मैं नाड़ ब्लॉक वे हेमरेज बनियो मुँह डीसा पालन पर सबटे भरियो उदयपुर बीजो पसे अहमदाबाद गियो। अहमदाबाद रे मैं भर्ती रियो, बटे भर्ती रियो तो माता में हेमरेज बनियो छोरा री डेट हुई। जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। कोई मटकी वगैरह ऐसा कोई मैटर था उसमें? ये अनुसंधान कर उससे। अगर ऐसी घटनाओं के प्रति कोई समाज और देश ईमानदारी से संवेदनशील होता, उसे शर्मिंदगी हो रही होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था।
कि आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्र के नाम के संबोधन में इसका जिक्र नहीं होता। इंद्र मेघवाल को जिस तरह से मास्टर छैल सिंह ने मारा है उसका वीडियो आप देख नहीं सकते। इस घटना ने अगर देश को झकझोरा होता तो लाल किले से प्रधानमंत्री अपने 82 मिनट के भाषण में इसका जिक्र जरूर करते। ऐसा नहीं था कि कभी लाल किले से इसका आह्वान नहीं किया गया था। 2015 के भाषण में उन्होंने जाति के जहर के खिलाफ आह्वान किया था। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं, और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है, और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। 15 अगस्त 2015 के इस भाषण में प्रधानमंत्री जातिवाद और संप्रदायवाद का जहर मिटाकर एक टीम इंडिया बनाने की कल्पना पेश करते हैं। जाहिर है 7 साल में लोग वो भाषण भूल गए हैं। अगर प्रधानमंत्री को ही याद रहता तो जिक्र करते कि हमने टीम इंडिया बनाने की बात की। फिर भी इस देश में 9 साल के इंद्र मेघवाल को पानी पीने के कारण उसके मास्टर ने मार दिया। इससे लगता है कि हम टीम नहीं बना सके। अगर ऐसा होता तब पता चलता कि कम से कम प्रधानमंत्री अपने भाषण को लेकर लोगों से ज्यादा गंभीर है। दरअसल टीम इंडिया बनाने की बात का असर होता तो कर्नाटक सरकार के इस विज्ञापन की मुख्य तस्वीरों में से नेहरू को गायब नहीं कर दिया जाता, और ऐसा होता तो बीजेपी के ही लोग इसका विरोध करते। 2015 में टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, 2022 में उस टीम की यह हालत हो गई है कि उनकी ही पार्टी की एक सरकार के विज्ञापन में नेहरू की तस्वीर आजादी की टीम इंडिया से बाहर कर दी जाती है। इंद्र मेघवाल की हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि जेल जाने और कोर्ट का फैसला आ जाने से ही इस घटना का इंसाफ है, तो यह अधूरी समझ है। इस घटना का इंसाफ यह नहीं है कि कम से कम समय में कोर्ट सख्त सजा सुना दे, बल्कि इसका इंसाफ यह है कि सभी स्कूलों की असेंबली में इसकी चर्चा हो, प्रिंसिपल बच्चों को बताएं कि ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए, मगर कहीं ऐसी चर्चा नहीं हो रही। इंद्र मेघवाल की हत्या के विरोध में जो भी विरोध हो रहा है उसमें शामिल लोगों से बात कर आप समझ सकते हैं कि कौन लोग विरोध में शामिल हैं, कौन इससे आहत हो रहा है, किसका वजूद हिल गया है। आप एक सेकंड के लिए इंद्र मेघवाल के समाज और उसके माता पिता और रिश्तेदारों की जगह रखकर खुद को देखिए। अंतरात्मा नाम की कोई चीज होगी तो महसूस कर पाएंगे कि वे इस दुख को कभी झेल नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे कि आजाद देश में पानी पीने के कारण 9 साल के उनके बेटे की हत्या कर दी गई। राजस्थान की इस घटना पर चर्चा बंद नहीं हो सकती। राजस्थान सरकार ने कमेटी बना दी है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस राज्य में यह समस्या बेहद गंभीर है, जो ना बीजेपी के राज्य में खत्म होती है ना कांग्रेस के राज्य में। धर्म के गौरव के नाम पर दरअसल जाति की सच्चाई को दबाया जा रहा है। दलित उत्पीड़न, एट्रोसिटीज अपराध की एक अलग श्रेणी है। जब जाति के नाम पर किसी को मारा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, बलात्कार की घटना होती है, तब उसे एट्रोसिटीज कहते हैं। इसलिए ऐसे केस में जाति का जिक्र करना जरूरी होता है। इसी 26 जुलाई को लोकसभा में सरकार ने बताया कि अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और उत्पीड़न के मामलों का रिकॉर्ड बताता है कि देश में 2017 से 2020 के बीच ऐसे मामलों में 16% की वृद्धि हुई है। इसी दौरान अकेले राजस्थान में 65% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में 2017 में 4,238 मामले दर्ज हुए, 2020 में ऐसे मामलों की संख्या 7,017 हो गई। मई के महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध की घटनाओं में 35% की वृद्धि हुई है पिछले 3 वर्षों में। जाहिर है हम केवल ऐसी घटनाओं को इस नजर से देखते हैं कि कार्रवाई हुई है या नहीं,
चूंकि अनुसूचित जाति के वोट की आवाज है, इस समाज के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता बोलते हैं, सड़क पर उतरते हैं, तो कार्रवाई का होना कोई बड़ी बात नहीं। राजनीतिक दबाव के असर में कार्रवाई होनी ही है। राजस्थान सरकार ने भी कार्रवाई की है, लेकिन इससे जाति को लेकर समाज में जो मानसिकता है वो खत्म नहीं हो जाती, उसमें दरारें नहीं पड़ती। कांग्रेस को एहसास हो गया है कि यह मामला इतना हल्का नहीं, इसलिए आज गहलोत सरकार के मंत्री भजनलाल जाटव, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश वगैरह इंद्र मेघवाल के घर पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता भी थे। राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, मगर दलित संगठन परिवार के दो सदस्यों की नौकरी के साथ 50 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना होगा, हम चुप नहीं रह सकते। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। जो घटना हुई है उसका संज्ञान लेकर उसमें उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, और भविष्य में खासकर हमारे दलित आदिवासी समाज के लोग, भाइयों बहनों को, परिवारों को ऐसा ना लगे कि उनके 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 लिए जो हम लोगों ने प्रावधान करे हैं वो कहीं कमजोर हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से बहुत मनोबल कमजोर होता है, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं दलित समाज के, और उन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मदद है, सहायता है, सहयोग है, वो भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन आज तो इस दुख को बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए हैं, उसके अलावा 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर सोनिया जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको आज ही देगी। जो जालौर में घटना हुई है बेहद निंदनीय है, बहुत ही घटिया हरकत है। वहां पर एक बच्चे की जान ले ली गई, इस तरह से इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है, ये घटना राजस्थान के अंदर हर रोज हो रही है, और हर रोज इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है वो जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं निभा रही। गहलोत साहब ने जालौर की घटना पे क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, कन्हैया की गर्दन काट दी गई, गहलोत साहब कहते हैं ये तो साधारण हत्या है, तो इनके लिए बड़ा मामला कौन सा है। राजनीति भी होगी, कार्रवाई भी होगी, मगर ये ना तो इंसाफ है ना जाति की समस्या का हल। जरूर त्वरित और सख्त कार्रवाई से अंकुश लगता है, लेकिन किसी ना किसी को इस जहर के खिलाफ जनता और समाज से बात करनी होगी, जो हमारे नेता नहीं करते हैं। जाति की सोच के खिलाफ सरकारी तौर पर या राजनीतिक तौर पर कोई अभियान नहीं चलाया जाता। तमाम जाति के लोग अपना अपना संगठन बनाकर, दुकानें चलाकर केवल कार्रवाई की लड़ाई लड़ते हैं, इसे मिटाने की बात नहीं करते। फिर भी 12 अटरू से दो बार से कांग्रेस के विधायक रहे पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा देकर बहुत सही काम किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, और ठीक लिखा है, कि प्रदेश में दलित और वंचितों को मटकी से पानी पीने के नाम पर तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने और मूछे रखने पर घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जांच के नाम पर फाइलों को इधर से उधर घुमाकर न्यायिक प्रक्रिया को अटकाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसके मटके से पानी पीने के नाम पर उसकी पेट की हत्या की जाती है। दलित समाज के व्यक्ति को वार्ड पंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का मौका दिया गया है, लेकिन आज दलित समाज का लोग जो शोषण हो रहा है वो असहनीय है। उस भावनाओं को ध्यान में रखते मेरी अंतरात्मा में आज इतना जुनून है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो सम्मान मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन की वजह से मिला है, आज वो सम्मान में उस सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जाति का जहर इतना पसरा है कि 11 अगस्त के डेक्कन हेरल्ड में खबर छपी है तमिलनाडु से। तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट TNUEF ने एक सर्वे कराया है। अपने सर्वे में पाया है कि जिस किसी पंचायत में दलित प्रधान है उनके दफ्तर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती, यहां तक कि उन्हें तिरंगा फहराने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। हम एक संस्था के सर्वे को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर यह खबर सही है तो फिर यह बीमारी केवल कार्रवाई से नहीं जाएगी। दिक्कत यह है कि कार्रवाई भी तो पूरी नहीं होती, उन्हीं मामले में होती है जिनमें दबाव बनाया जाता है। यह कुछ पोस्टर है जो राजस्थान की घटना के बाद सोशल मीडिया में चले हैं, जिनमें आजादी के अमृत महोत्सव को मृत महोत्सव का नाम दिया गया है। आप ही सोचिए कि जिस देश में मटकी से पानी पीने पर किसी बच्चे को मार दिया जाए, आप अमृत महोत्सव कह सकते हैं? पानी ही तो अमृत है, अमृत पीने पर इंद्र मेघवाल को मार दिया गया। मैं आप दर्शकों को जानता हूं,
आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं यही बात आम लोगों के लिए नहीं कह सकता कि मैं लोगों से उम्मीद करता हूं कि वे इस पर सोचेंगे, ऐसी घटना का विरोध करेंगे। मैं चाहता तो उम्मीद की जगह भरोसा का इस्तेमाल कर सकता था, मगर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बीते गुरुवार यमुना नदी में एक नाव डूबने से कुल 13 लोगों की मौत हो गई और अब भी नदी में बह गए 2 लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। घटना का वीडियो वायरल है। बांदा को फतेहपुर से जोड़ने वाला पुल पिछले 12 साल से अधूरा पड़ा है। अगर यह पुल बन गया होता तो यह जाने बच सकती थी। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और सलाउद्दीन की यह रिपोर्ट। तस्वीरें बांदा जिले की बबेरू तहसील की हैं, जहां यमुना नदी में एक नाव में 32 लोग उस पार फतेहपुर जा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते नाव डूब गई। किनारे खड़े लोगों ने यमुना में कूदकर बड़ी मुश्किल से 17 लोगों को बचा लिया, लेकिन 15 लोग यमुना में समा गए। तेरह लोगों के शव निकल गए हैं तो 2 का अब तक कोई पता नहीं है। परिजनों को खोने वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस आधे बने पुल की नींव 2011 में मायावती की सरकार के वक्त रखी गई थी, लेकिन बसपा सरकार, फिर सपा सरकार आई, सपा सरकार गई तो बीजेपी सरकार आ गई, लेकिन 12 साल में भी ये पुल नहीं बन सका। प्रधानमंत्री जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी नाव में पलटने से डूब करके यमुना नदी में मरे हैं, उनको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि यदि आपने उस पुल को बनवा दिया होता जो मैंने प्रारंभ किया था, जिसका शिलान्यास 2011 में मैंने किया था, यदि उसको बनवा दिया होता तो शायद किसी को भी शोक संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। हादसे के बाद संवेदना व्यक्त करने आए मंत्री रामकेश निषाद को देखकर लोग बेहद नाराज दिखाई दिए। लोगों का गुस्सा देख मंत्री जी वादा कर गए हैं कि जल्द ये पुल पूरा किया जाएगा। बाईस में ही उसको पूरा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए और बजट भी निर्गत किया था कि ये परियोजना पूर्ण हो जाए और 2023 तक निश्चित रूप से ये पुल पूर्ण होकर के जनता को समर्पित होगा। इस पुल के न बनने से हर साल कई लोग यमुना में डूबकर अपनी जान गवा बैठते हैं। ये हादसा रक्षाबंधन के दिन हुआ। इस महिला ने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखा है। बांदा से सहयोगी सलाउद्दीन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।